यशवीर, ओ यशवीर, वो तो है नहीं घर पे। कहिए क्या काम था। तेरे पति के पास 1,00,000 रुपया है मेरा। कह देना अपने पति से 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। मेरा 1,00,000 रुपया ना मिला तो तुम्हारा घर और ये जमीन नीलाम करवा दूंगा। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी। समझ गई ना, हम दोबारा ही नहीं आएंगे। चलो बॉस। मिनिका, क्या हुआ मिनिका, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रही हूँ कि काश मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बन पाती और अपना सपना पूरा कर पाती। सपना तो मैंने भी देखा था पढ़ लिख कर कुछ बनने का, पर मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को वचन दिया था तुमसे शादी करने का। सुनो जी, मैं ये सोच रही हूँ कि फिर से एक बार पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा करूं। देखो मिनिका, मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। जो मेरे पास पैसा था वो पिताजी की बीमारी में लग गया और ऊपर से मोटा कर्ज हो गया। पिताजी ने मेरी शादी जल्दी करके मेरे सपनों को खत्म कर दिया। मैंने कहा रो मत। रो ना तो और क्या करूं? अच्छा, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में पूरी मदद करूंगा। जितना हो सकेगा मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पर तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा मैं। कैसे करूं, घरवाली का सपना है कुछ पढ़ लिख कर बनने का और मेरे पास है कि पैसा नहीं है खाने के लिए भी। क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं जो उसका सपना पूरा हो जाए। अरे आलोक, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे दारू के लिए, ये दारू कहां से आई है? जब दारू पीने की तलब लगती है तो पैसा खुद के खुद आ जाता है। फिर पैसा कहाँ से आया? मेरे जिस्म का जो खून है वो किस काम आएगा? मैंने अपने जिस्म का 2 बोतल खून बेच दिया और मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं 15 दिन तक रोज लगातार दारू पी सकता हूँ। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्यों ना मैं भी अपनी वाइफ का सपना पूरा करने के लिए थोड़ा अपना खून बेच दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ये लो, किताबें तुम्हारी पढ़ाई के काम आएंगी। और ये लो कुछ पैसे। इतने सारे पैसे? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे, बताओ ये चोट कैसे लगी? अरे तुम मेरी टेंशन क्यों ले रही हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। सुनो जी। मैं ये कह रही थी कि घर पे ना पढ़ाई सही से हो नहीं पाती है। अच्छा, तो मुझे ना कोचिंग जाना था। कोचिंग? अरे तुम्हें पता है ना मैंने कहा हमारी स्थिति, हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए और तुम कोचिंग बात कर रही हो। तुम्हें पता है पिताजी कितना कर्जा छोड़ गए हैं हमारे ऊपर?
मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जमीन तो है। जमीन की बात मत करो मेनिका, तुम्हें पता है ना इस घर का खर्चा जो भी है सारा उसी जमीन से होता है। कहाँ से खाएंगे कहाँ से पिएंगे अगर उस जमीन को बेच देंगे। और तुम्हें पता है उस जमीन के कागज भी उस सेठ के पास हैं, पिताजी ने उसे भी गिरवी रख दिया था। तो इसका मतलब मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा मेनिका, मेरे पास जो भी कुछ है अभी ये घर है, मैं इसको गिरवी रखकर तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। मेनिका, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे अलावा, ना जमीन बची ना ये घर बचा, मगर तुम्हारा सपना पूरा होगा। अच्छा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी अपने सपने को पूरा करने के लिए। सुनो जी, मैंने तुम्हारा खाना पैक कर दिया है। अच्छा, अब मैं कोचिंग के लिए जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी काम पर जाता हूँ, उसको बाद में देखूँगा। भाई कैसे याद किया? अरे लेफ्ट राइट कहाँ पर हो तुम लोग? हाँ मैं आपके शोरूम पे ही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से एक काम है, तुम्हें एक लड़की को छेड़ना है, ठीक है? किसको छेड़ना है? अरे वह उस गरीब यशवीर की बीवी मेनिका है, मुझे उसकी नजरों में हीरो बनना है और उस काम में तुम दोनों मेरी मदद करोगे। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ राइट को लेके। ओके यार। कौन हो तुम लोग? क्या काम है तुम लोग को मुझसे? ए, बोलो तुम भागे इधर से। ओ साले, थैंक यू। अरे थैंक यू कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेनिका। अच्छा यार, कहाँ जा रही हो तुम? कोचिंग। कोचिंग, कौन सी कोचिंग? OCI कोचिंग जा रही हूँ। OCI कोचिंग, अच्छा वो तो मेरे ऑफिस के बगल में ही है, आओ मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। अरे कोई नहीं, मैं ही छोड़ देता हूँ, कभी पता चले आपको रास्ते में किसी और ने छेड़ दिया। आओ। अरे मिनिका, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। अरे क्यों पैदल चल रही हो, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है।
ये है मेरा घर। ओ, ये इस घर में रहती हो तुम? अरे कैसे रह लेती हो ऐसी जगह, यहाँ पर तो कोई सुविधा ही नहीं है। क्या करे, गरीबी ऐसी ही होती है ना। अगर तुम चाहो तो मेरे फार्म हाउस पर रह सकती हो, वह खाली है। नहीं है के जी, इस चीज के लिए मेरे पति कभी नहीं मानेंगे। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। अरे है का कोई घर में भाई? अरे यशवीर का ही घर है का? हाँ मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। ये थारा यो कॉल लेटर आया था। हाँ वो मैंने वीडियो के लिए अप्लाई किया था। अच्छा ही, लो। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, किसी भी कीमत पे एग्जाम मुझे क्रैक करना ही है। अरे मीनिका आ गए आप? हाँ आ गया मैं, मेरा खाना लगा दो, मैं थक गया। हाँ पहले मैं पानी लेके आती, बैठ जा। सुनो जी। हाँ हाँ, अच्छा पानी। मीनिका कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना भूल गई। हाँ बोलो। मेरे ना एग्जाम का कॉल लेटर आया है। अरे वाह। लेकिन एग्जाम देने दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? वहाँ कैसे जाओगे? चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। मीनिका क्या सोच रही हो? मेरी एक सहेली है, उसका एग्जाम भी मेरे साथ ही है। अच्छा, उसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है मीनिका, अच्छे से जाना और अच्छे से पेपर देना, इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? मुझे एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना है और मैं कभी दिल्ली गई नहीं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। थैंक यू। आओ मीनिका, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? क्या ये देखो। वाह कितना अच्छा नजारा है।
अरे मिनिका, एक बात बताओ, तुम इतनी सुंदर और समझदार हो, फिर तुमने उस फटीचर यशवीर से शादी क्यों की? अरे आपको पता नहीं है, यशवीर बहुत अच्छे हैं और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और उनसे शादी करने का फैसला मेरे पिताजी का था। चाहे जो हो, एक बात को तो मानना पड़ेगा, तुम में और यशवीर में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ यशवीर और कहाँ तुम, और अब तो तुम्हारी वैसे भी जॉब लगने वाली है। हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं ये। अरे तुम चार पहियों की सरकारी गाड़ी चलोगी और वो पैदल चलेगा, तुम्हारी सेवा के लिए लोग होंगे और वो दुनिया की सेवा करेगा। अरे नहीं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं उन्हें मजदूरी करने ही नहीं दूंगी। देख लो, वो नहीं मानेगा, वो ठहरा मजदूर। नहीं, वो मेरी हर बात मानते हैं, देख लेना वो ये बात भी मेरी जरूर मानेंगे। पर अच्छा नहीं लगेगा एक वीडियो का पति मजदूरी करता हुआ। क्या करूं, कह तो सही रहे हैं ये, अगर मैं वीडियो बन गई तो मेरे पति मजदूरी करते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे मिनिका, मैं तुम्हारे कुछ लाया हूँ। क्या लाया? एक मिनट रुको। ये लो। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। साड़ी? इतनी महंगी साड़ी, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, रखो इसको। इतनी महंगी साड़ी? इतनी महंगी साड़ी तो यशवीर ने मुझे कभी नहीं दी आज तक। ये इतने प्यार से कह रहा है तो रख ही लेती हूँ। अब हमें चलना चाहिए। चलो चलते हैं। अरे आ गई मिनिका। हाँ। कैसा गया तुम्हारा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा गया। अच्छा, तुम्हें कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। मिनिका, तुम्हारे और इस मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं बचा मेरे पास। कब तक करोगे मजदूरी का काम? अरे इस मजदूरी से तो इस घर का खर्चा चलता है। अगर मेरी नौकरी लग गई तो ये काम छोड़ दोगे तुम? कैसी बातें करती हो मिनिका, मैं कोई चोरी थोड़ी ना करता हूँ, मजदूरी करता हूँ जो इस भारत की 80% जनसंख्या करती है। फिर तो लोग कहेंगे देखो वो जा रहा है वीडियो का पति मजदूरी करने। लोगों का क्या है मिनिका, लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं। और तुम्हें पता है इस घर का खर्चा मेरी मजदूरी से चलता है, लोग थोड़े ही ना देते हैं खर्चे के लिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलने का काम करती है। तो इसका मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगे? कौन सी बात? यही कि मजदूरी करने नहीं जाओगे तुम। अरे मुझे अपना कर्जा भी तो उतारना है, ये घर और जो जमीन गिरवी रखी है। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता मिनिका, काम ईमानदारी से होना चाहिए। देख लो, वो नहीं मानेगा, वो ठहरा मजदूर। मिनिका कहाँ हो तुम? अरे आ गई आवाज सुनाई मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं, बोलो क्या काम है। अरे क्या हुआ, ऐसे कैसे बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अच्छा मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या हुआ? ये साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई? रख दो इसे। मिनिका, अरे मिनिका कहाँ हो? बड़ी गर्मी है यार आज। अरे आ रही हूँ, बहरी नहीं हूँ मैं। क्या होगा इस घर का? क्यों क्या हुआ? कभी कहीं से छत टपकती है, कभी कहीं से। देखो मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरे दोस्त ने दी है। कौन सा दोस्त? अरे हर बात मैं तुमसे बताऊं ये जरूरी थोड़ी है। दिल्ली में हर पति अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाते हैं, एक तुम हो। आज तक कभी कहीं घुमाने लेके गए हो मुझे? मिनिका तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसा तो नहीं करती थी। तुम्हें तो पता है ना
मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहाँ से तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है, मुझे घूमना है बस। मेनिका, सिर्फ ईंट पत्थर को घर नहीं कहते, उसमें रहने वाले इंसान उसको घर बनाते हैं, जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। अब मैं दुख में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से घुमाने ले जाऊँ? सुख मिला ही कब है मुझे इस घर में, जो तुम दुख की बात कर रहे हो। लाओ मेनिका, फिर मेरा खाना दे दो, मैं जा रहा हूँ काम पे। खाना? खाना तो मैंने बनाया नहीं। बनाया नहीं क्या मतलब? मतलब क्या, नहीं बनाया खाना? क्यों नहीं बनाया? तुम्हें पता नहीं मैं रोज काम पे जाता हूँ। मेरे ध्यान नहीं रहा खाना बनाने का। ऐसे कैसे नहीं ध्यान रहा? अरे नहीं रहा ना ध्यान। रहने दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। रह गया भाई कोई? हाँ क्या हुआ? ये तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा सिलेक्शन वीडियो के लिए आखिरकार हो ही गया। मेरे बरसों की मेहनत आज रंग ला दी। बहुत जोर की भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को भी नहीं लाया। चलो कुछ खा के आता हूँ। हाँ तो बताइए मिनिका जी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? भाई साहब समोसा कितने का है? 10 रुपए का। भाई साहब मेरे पास तो 5 ही हैं। चलो कोई नहीं, अंकित सर को समोसा दो। मेरा फाइनली वीडियो के लिए सिलेक्शन हो गया है, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है और 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है ये तो। अब तो तुम अधिकारी बन गई हो, अब तो आप मैं भूल जाओगी। नहीं एके जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो अब तो आपके चारों तरफ नौकर चाकर होंगे, पैसा होगा, सहूलत होगी, तो आपकी मौज आएगी। नौकर चाकर तो ठीक है, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगी। मेरे हिसाब से अब आपको आपके पति से दूर ही रहना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि एक वीडियो का पति जंगली है, एक गरीब है, ना उसके पास खाने को है, ना उसके पास रहने को है। अरे मिनिका, तुम ऐसा करो, मेरे फार्म हाउस पे रहने लगो। ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में।
अरे एके आओ बैठो जी भाई। एके मैंने तुमसे जो काम बोला था वो तुमने किया? कौन सा काम भाई? अखबार पढ़ा करो एके। यशवीर की जिस जमीन को मैंने खाली करने के लिए तुम्हें बोला था ना, वहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है। उस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपए है। ये देखो। अरे डीके भाई आप टेंशन मत लो, उन दोनों में मैंने ऐसी आग लगाई है कि वो दोनों कुछ दिन में खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। अरे मुझे उन दोनों के अलग होने से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मतलब उस जमीन से है। वहाँ मुझे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना है। अरे डीके भाई आप परेशान क्यों हो रहे हो, समझो आपका काम हो गया। मैंने उसके बाप को जबरदस्ती कर देकर उसकी जमीन हड़पने का प्लान बनाया था। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा कर्ज कभी ना उतार सके। एनिका कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी? मैं वो अपने दोस्त के घर गई थी। अच्छा, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, वीडियो के पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है, 1 महीने की ट्रेनिंग है, तुम बस चलो मेरे साथ। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। रहने के लिए क्वार्टर और सारी सुविधाएं हैं, नौकर चाकर भी हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है तुम्हारी मर्जी। अबे घर पे कोई है क्या? अबे बहरा हो गया क्या? सुनाई नहीं देता तुझे? 6 महीने तेरे पूरे हो गए हैं, मेरे पैसों का कोई नाम नहीं है। अब तेरा घर और तेरी जमीन सब मेरी हुई। इतना आसान भी नहीं था जितनी आसानी से मुझे चाबी दे गया। मैडम।
ड्राइवर गाड़ी रोको। यार ये तो यशवीर लगता है, हर बार क्लास में टॉप जो आता था। ए लड़के इधर सुन। हेलो। हाँ भाई साहब। जसवीर तू? मैंने आपको पहचाना नहीं भाई साहब। मैं उदय, अपन कॉलेज में एक गैल पढ़ा करते थे। अच्छा उदय। हाँ मैं उदय। ये क्या हालत बना रखी तेने अपनी? भाई बस ऐसे ही। क्या हो गया तुझे? अरे मुझसे मत पूछो मेरे गमों की दास्तां, कि जिसके खातिर दिल खून बहाया है। और उदय भाई, जिस शख्स को मैंने चाहा उसी ने मेरा दिल दुखाया है। मेरा दिल क्या हो गया मेरे भाई तुझे? यशवीर मेरे भाई क्या हो गया तुझे? तू तो कभी कॉलेज में टॉप हुआ करता था, ये क्या हालत बना ली तने अपनी? उदय भाई जब तक कॉलेज था तब तक तो सब कुछ ठीक था। तुम्हें तो पता ही है ना उदय, मेरा सपना आईएएस बनना था। उसी के चक्कर में पिताजी मोटा कर्ज ले बैठे और उस कर्ज को उतारते उतारते वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। फिर जबरदस्ती उन्होंने मेरी शादी करा दी और मेरा सपना सपना बनकर रह गया। बस यही सब हुआ मेरे साथ और अब तुम्हारे सामने है। यशवीर बहुत बुरा हुआ तुम्हारी गैर। चलो यशवीर मेरी साथ चलो तुम। नहीं अब मैं उस मतलबी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता दोस्त। क्यों? बस मन भर गया है इस मतलबी दुनिया से। ऐसा कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ चलो। नहीं दोस्त अब मैं नहीं जाऊंगा, अकेला रहना चाहता हूँ। क्यों यशवीर, तुम तो आईएएस बनना चाहते थे। मैं किसके लिए आईएएस बनूंगा उदय? अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने जनून के लिए। और तुम्हारे पापा का भी सपना था ये। उठो और दिखाओ इन दुनिया वालों को तुम भी कुछ बन सकते हो। यशवीर दिखा दो इन दुनिया वालों को। और सुनो कल मैं आऊंगा, कल मिलता हूं मैं। यशवीर, यशवीर। हाँ 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 उदय भाई। यशवीर मैं ले तेरे आओ बैठो। मैं तेरे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। अच्छा बहुत दिन हो गए किताबें देखे हुए। और मैं आता रहूँगा और कुछ पैसों की ज़रूरत पड़े तो बता देना। यशवीर तो जी और जान से मेहनत कर और दिखा दे दुनिया वालों को कि तू आईएएस बन सकता है। ठीक है भाई मैं करूँगा मेहनत। मैं चलता हूँ। ठीक है उदय भाई। ठीक है अरे ओए काम कर ले। हाँ साहब हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। एके, इस इलाके में कितनी सरकारी जमीनें हैं? लगभग 10 एकड़ भाई और कीमत 600 करोड़ है। वो सारी मुझे चाहिए। क्यों नहीं भाई, वो तो अपनी ही होगी। अब तो वो वीडियो भी अपने हक में है। एके, वो सारी सरकारी जमीन के फर्जी कागज तैयार कराओ। अब तो वीडियो भी अपने हक में है। मुझे उसके साइन चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए।
अरे डीके भाई, उसको पता ही नहीं चलेगा, वो मेरे जाल में फंस चुकी है। आखिर सवाल भी तो 600 करोड़ का है। जाओ। क्यों नहीं। अरे एक जी, आप कैसे आना हुआ, आइए बैठिए। अरे मीनिका जी, बैठने का समय तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ ठेके के फंड फंसे हुए हैं, अगर इन पर आप साइन कर दोगे तो मेरे फंड निकल जाएंगे। बस इतनी सी बात, लाइए अभी कर देती हूँ। और बताइए। अरे मीनिका जी, पढ़ दो लीजिए इसको। अरे एक जी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आपने मेरी मदद तब की है जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मुझे धोखा दे ही नहीं सकते हैं। फंस तो गई चिड़िया जाल में। ओके मनी जी, थैंक यू जी। अरे मिनिका जी से बात करता हूँ। हेलो। अरे एके। हाँ डीके भाई, बैठिए। हेलो 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 हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। अरे एके, इस इलाके में नया डीएम आया है, वो हर ठेके की जांच बहुत अच्छे से कर रहा है, उसने हमारी 3-4 फैक्ट्री सील कर दी हैं। तुम ऐसा करो, जब तक ये आज हम तक आए तुम उस वीडियो को फंसा दो, क्योंकि हमने उससे बहुत गलत एग्रीमेंट साइन कराए हैं जिससे हम बच सकें, क्योंकि हमने पहले भी उससे बहुत फर्जी एग्रीमेंट साइन कराए हैं, हमने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पी है। ठीक है भाई, मैं अपने किसी आदमी से उस मिनिका के ऑफिस में मिठाई भिजवा देता हूँ। चलो एके, हम भी उस नए DMC मिलके आते हैं, ना जाने हमारी मिठाइयाँ ले ले, ताकि हम और हमारी फैक्ट्री बच जाए। ठीक है भाई, चलो। मैम, डीके साहब ने आपके लिए मिठाई का डिब्बा भेजा। ठीक है, रख दो। अरे अरे, कौन हो तुम, और ये बिना परमिशन के अंदर कैसे चले आ रही हो? CBI क्राइम ब्रांच दिल्ली। ऑफिसर। जी मैम। ऑफिस की तलाशी लो। ओके मैम। अरे अरे, तलाशी क्यों, हमें सूचना मिली है आपने रिश्वत ली है, चलो तलाशी लो। मीनिका जी, ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गए। वो सब हम देख लेंगे, आप चलिए हमारे साथ। यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मैम। Thank you.
यशवीर आप? एक आईएएस ऑफिसर से इस तरह से बात करते हैं? सर बोलिए। जी सर। मीनिका नाम है ना तुम्हारा? हाँ तो मीनिका जी, आपने कितने पैसे खाए डीके से उसको ठेका दिलाने के लिए? सर मैंने कोई पैसे नहीं खाए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ। आपने जो करना था वो आप कर चुके हो, अब जो हमें करना है वो हम करेंगे। सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया है। गलत और सही को हम देख लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। सर एटलीस्ट मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो मीनिका जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आप कहीं मिले ही नहीं। मैं आपसे पहले भी बहुत प्यार करती थी और आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। क्या तो मैं भी तुमसे करता था, उसका क्या, क्या किया तुमने मेरे साथ? जो खुशखबरी सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए थी वो खुशखबरी किसे दी तुमने? कौन था वो तुम्हारा? सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या किया तुमने मीनिका मेरे साथ? कोई दुश्मन भी नहीं करता अपने दुश्मन के साथ, वो किया तुमने मेरे साथ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्त की वजह से। उदय, आज मैं जो भी कुछ हूँ इसकी वजह से हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता, इसकी वजह से आइए सुनिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है सीर भाई, दोस्ती में ये सब चलता रहता है। अरे उधर भाई आपने बहुत एहसान है आपकी मेरे पे। एहसान नहीं, चलो मैं चलता हूँ, तुम करो बात। मैंने कहा जब तुम मुझे छोड़ के गई ना तो यही मेरा सहारा था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। अब तुम जा सकते। सर आपसे डीके साहब मिलना चाहते हैं। मिल तो बताइए। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम डीके है। लगता है इस शहर में आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है, मैं तो आपके लिए मिठाई का डिब्बा लाया था। इस क्षेत्र में इतना पैसा नहीं चलता जितना मेरा नाम चलता। डोंट यू ट्राई टू कॉल मी सायद। मिस्टर डीके साहब आपको ये पता नहीं कि आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं और मैं अपने ऑफिस में मिठाई नहीं खाता। अब आप लोग जा सकते हैं। ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी साहब। डीएम साहब आप बहुत गलती कर रहे हो मुझसे हाथ ना मिलाकर।
यह ठेका किसका है? डीके साहब का है। कहाँ है वो? वो घर है, बुलाओ फोन करके। ठीक है। हाँ डीके साहब, कुछ साहब मिलना है आपसे। ठीक है सर, आ रहे हैं सर। ओके सर, डीके का ठेका है, बुलवाया मैंने उन्हें फोन करके, आने वाले होंगे। ठीक है, चलो और कुछ देखते हैं। अरे सिद्धार्थ जी, ये काम कर रहे हैं, इन बंदों से पूछो कि काम ठीक ठाक चल रहा है, बात कराओ। अभी सर से बताओ क्या हो रहा है यहाँ? साहब काम कर रहे हैं मजदूर आदमी साहब। सर से बताओ, जेल में सरवा दूंगा साहब। अब क्या छुपाना साहब तुमसे साहब, इसमें सरिया भी कम लग रहा है और इसमें सीमेंट उमेंट भी कम लग रहा है साहब, और साहब इसमें डीके का बहुत बड़ा हाथ है साहब। सर इसमें लोहा और सीमेंट दोनों ही कम लग रहे हैं। हेलो, अरे सर आप यहाँ गर्मी में कब तक परेशान रहोगे? आओ चलो मेरी गाड़ी में चल के बात करते हैं। मुझे इस गर्मी से कोई परेशानी नहीं है डीके, मैं तो इसी गर्मी से तप के बाहर निकला हूँ, तुम अपनी देखो। अरे साहब आप तो खामखा नाराज हो रहे हो, कैसे कष्ट किया यहाँ आने का? कष्ट तो तुम्हें होगा डीके, ये जानकर जो ये तुम पुल बना रहे हो, नियम के हिसाब से इसमें सीमेंट और लोहे की मात्रा कम है, इसलिए आगे से मिलने वाला तुम्हारा पैसा उस पर मैं रोक लगाता हूँ। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं बर्बाद हो जाऊँगा सर। बर्बाद तो तुम हो चुके हो डीके, तुमने कितने घर बर्बाद किए, तभी सोचा उनके बारे में। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ डीके, तुमने जितनी ज़मीन हड़पी है मुझे सबका पता है, फर्जी तरीके से तुमने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया ना, वो सब मुझे पता चल चुका है। मुझे पता चल गया है, मीनिका को भी तुमने फर्जी केस में फंसाया है, उसका सबूत मेरे पास है, अरेस्ट हिम। जी सर। अरे ऐसे कैसे, हाथ नीचे। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास? सिद्धार्थ सबूत दिखा भी नहीं। हेलो हेलो। अरे एके। हाँ डीके भाई बैठिए। अरे एके, इस इलाके में नया डीएम आया है, वो हर ठेके की जांच बहुत अच्छे से कर रहा है, उसने हमारी 3-4 फैक्ट्री सील कर दी हैं। तुम ऐसा करो, जब तक ये आँच हम तक आए तुम उस वीडियो को फंसा दो, क्योंकि हमने उससे बहुत गलत एग्रीमेंट साइन कराया है। सुन लिया डीके? अरेस्ट हिम। ओके सर। यशवीर, हाँ मेनिका बोलो, क्या बोलना चाहती हो? यशवीर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ यहाँ, जो तुमने मेरे लिए किया। और कुछ कहना चाहती हो? इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मेनिका! हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो यार एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर जाएं वीडियो को।